मानो, एक तो तू अकेला और वो भी असुरों की सेना के विरुद्ध। निश्चित है आज तेरा अंत निश्चित है। तेरा वध कर विशेष आनंद आएगा मुझे। मेरे प्रतिशोध की पूर्ति होगी। आश्चर्य तो तेरी हठधर्मिता का है। पलायन कर सकता था किंतु स्वयं अपनी मृत्यु के समीप चला आया तू। धर्म, स्त्री, दुर्बल व्यक्ति और अपने कुल की रक्षा से पीछे हटना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। उचित है, उचित है। आक्रमण। Thank you.
महर्षि मुद्गल। हाँ शत्रुघ्न, महर्षि मुद्गल इस टीले के अंदर है, अर्थात वो समाधि में लीन है। किसी भी महर्षि की समाधि भंग करना उचित नहीं है भैया। भैया अब हम क्या करेंगे? परंतु प्रश्न भरत भैया के प्राणों का है शत्रुघ्न। हमें ये करना ही होगा। ए महर्षि मुद्गल, आपकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु इस समय आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है हमें। हे महर्षि, हमारे भरत भैया को असुरी शक्ति ने मूर्छित कर दिया है और उनके प्राणों पर संकट मंडरा रहा है, और हमें बताया गया है कि केवल आप ही हैं जो उस असुरी शक्ति को निष्प्रभाव कर सकते हैं। सूर्यास्त होने को है और इसके पश्चात असुरी शक्ति का प्रभाव और भी प्रबल हो जाएगा। महर्षि कृपा करें, महर्षि हमारे भाई की रक्षा कीजिए। समय बीता जा रहा है, कृपा कर। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। मैं दशरथ नंदन लक्ष्मण और ये मेरे अनुज शत्रुघ्न है। हमारे भरत भैया के प्राण संकट में है महर्षि, नहीं तो हम आपकी तपस्या कभी भंग नहीं करते। आप हमें जो दंड देना चाहे दे सकते हैं, केवल हमारे भैया की रक्षा कीजिए। हाँ महर्षि, कृपा करके हमारे साथ चलिए। उचित है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हे मारी, शीघ्र चलिए। संध्या होने में मात्र कुछ ही क्षण शेष है, किंतु ऋषि मुद्गल को लेकर शत्रुघ्न और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे। जो भी करना होगा शीघ्र ही करना होगा, अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है।